और हर साल की तरह इस साल भी कोतवाली क्षेत्र के मोहल्ला मेहमान शाह में हजरत मेहमान शाह दादा मियां का उर्स का आगाज हो चुका है। और आपको बता दें कोतवाली क्षेत्र में हजरत मेहमान शाह दादा मियां का उर्स का आगाज हो चुका है बाखूबी। आप देख रहे हैं 3 दिन प्रोग्राम चलेगा, बाखूबी हम आपको विस्तार से दिखाएंगे आगे कि कोतवाली क्षेत्र के मोहल्ला मेहमान शाह में हजरत मेहमान शाह दादा मियां का उर्स का आगाज हो चुका है। हमने विशेष रिपोर्ट तैयार करी है कि कब से शुरू होगा और उसके बाद में फूल शरीफ कब होगा, महफिल शमा कब होगी, हम आपको विस्तार से दिखाएंगे। कि एक बार फिर बता दें आपको कि कोतवाली क्षेत्र के मोहल्ला मेहमान शाह में हजरत मेहमान शाह दादा मियां का उर्स का आगाज हो चुका है। हालांकि आपको बता दें कि सदर बब्बू मियां से मुलाकात हमारी नहीं हो पाई, लेकिन फिर भी प्रोग्राम की विस्तार से हम आपको प्रोग्राम बताएंगे कि कब कब क्या क्या प्रोग्राम होगा, कुल शरीफ कब होगा और कुरान ख्वानी कब होगी। हमने विस्तार से एक रिपोर्ट तैयार करी है। आप देख सकते हैं 3 मार्च इतवार बाद नमाज मगरिब चादर पेश की जाएगी, उसके बाद 4 मार्च पीर का दिन बाद नमाज मगरिब गागर पेश की जाएगी और 5 मार्च मंगल सुबह 10 बजे कुल शरीफ होगा। ये रहा हजरत मेहमान शाह दादा मियां सरकार का प्रोग्राम, जो कि हर साल की तरह इस साल भी कुल शरीफ होगा और जो नज़ारा है वो आपके सामने एक बार फिर आप देख सकते हैं। जोर शोर से तैयारियां की जा रही हैं, जहां पर हजारों की संख्या में जायरीन आते हैं। हर मजहब के लोग आते हैं, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई हर मजहब के लोग आते हैं। जिस तरीके से नज़ारा आप देख रहे हैं इस, और अब हम आपको जो वहाँ के लोग हैं उनसे भी रूबरू कराते हैं कि किस अंदाज में क्या प्रोग्राम रहेगा। ये बताइए हम लोग कब से प्रोग्राम शाम को बाद नमाज मगरिब मंगल। ये रहा प्रोग्राम हजरत मेहमान शाह दादा मियां का, हमने आपसे दिखाया भी दरगाह का नज़ारा और जिस तरीके से बापू भी देख रहे हैं तैयारियां कोशिश चल रही हैं। कुल मिला के जायरीनों का आना जाना भी चालू है। हजरत मेहमान शाह दादा मियां का उर्स शरीफ का आगाज हो चुका है और सारे मजहब के लोग आते हैं हजरत मेहमान शाह दादा मियां की दरगाह पर। सारे मजहब के लोग बाखूबी आप देख रहे हैं। एक दफा फिर देखिए मेहमान शाह दादा मियां की दरगाह है, ये हजरत मीर मेहमान शाह सरकार दादा मियां की दरगाह है जिसका उर्स होने वाला है। बाखूबी आप देख रहे हैं इस समय बब्बू मियां है नहीं, कहीं गए हुए हैं, नहीं तो हम आपसे रूबरू उनको भी कराते। कुल मिला के जो नज़ारा वो आपके सामने, लेकिन एक बार फिर आप देख सकते हैं 3 मार्च इतवार बाद नमाज मगरिब चादर पेश की जाएगी, उसके बाद 4 मार्च पीर का दिन बाद नमाज मगरिब गागर पेश की जाएगी और 5 मार्च मंगल सुबह 10 बजे।